बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम फोटोशॉप के फिर कुछ बुनियादी नुकात के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने फोटोशॉप को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने इसका वेट करना है कि ये कब ओपन हो। तो बिगनर्स के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लिए इस चैनल पे आए, फोटोशॉप सीखें, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा तफसीली फोटोशॉप सिखाऊंगा इंशाल्लाह उल अजीज। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, इंटर किया। इंटर करने के बाद बैक स्पेस से ख़त्म किया, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इंचेस और पिक्सल्स, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अमूमन यूज ये होते हैं, पिक्सल्स या इंचेस। फिलहाल हम इंचेस ही रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करते। 4 और बाय 4 इसको ये रखते हैं। ओरिएंटेशन आपके विद एंड हाई, जो आपकी हाइट है इसको आप को बढ़ाने और कम करने में मदद देती है। इसमें हम आगे जब चीज़ें बनाएंगे तब काम बात करेंगे। ठीक है, तो रेजोल्यूशन इसकी जो है ना 300 मिनिमम रखेंगे, अगर इंचेस पे काम कर रहे हैं। अगर पिक्सल्स पे काम करेंगे तो इसकी रेजोल्यूशन को हम कम करेंगे वक्त के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, पिक्सल्स इंचेस, पिक्सल्स सेंटीमीटर। तो पिक्सल इंचेस ही हम रहते हैं देते हैं, इंचेस में नहीं जाते। कलर आरजीबी कलर मोड ही हम इसका रहने देते हैं, वहाँ पर भी हम नहीं जाते। और एड बिट ही हमने रहने देना है, क्योंकि स्क्रीन का सारा काम एड बिट पे ही होता है। फिर कलर कलर हमने वाइट ही रहने देना है। इसमें आपको ऑप्शन बहुत मिल जाएंगे, ब्लैक भी मिल जाएगा आपको, मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंट वगैरह वगैरह बन जाएंगे। क्यों हमने इसको यही रहने देना है, ताकि कुछ हम इसमें मजीद चेंजिंग कर सकते हैं बनाते वक्त, ट्रांसपेरेंट या दूसरों को कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी चीज़ें एडवांस है, अभी आपको नहीं बता रहा क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये टूल बार आपके लेफ्ट राइट ऊपर दिखाई देते हैं इसके। ठीक है, तो ये टूल बार मूव हो जाते हैं, इधर मूव हो गया, ये भी इधर मूव हो जाता है, इसी तरीके से ये भी इधर मूव हो जाता है। ये सारे टूल बार इधर उधर मूव हो जाते हैं, कहीं गुम भी हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने गायब भी कर देता हूँ, आपसे भी हो जाएंगे। तो आपने इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बस आपने इसको इस तरह से करना है। अब क्या करना है, सब कुछ गुम हो गया, हम काम कैसे करेंगे? काम करने के लिए हमने क्या करना है, ऊपर चले जाना है विंडो में। विंडो में जाने के बाद वर्क स्पेस में, वर्क स्पेस में जाने के बाद यहाँ पर रीसेट सिलेक्ट क्लिक कर देना है। तो आपका ये टूल बार वापस अपनी अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पर था। तो ये देखें, एक पूरी लाइन बन गई है जो कि पहले दो लाइनों में था। तो घबराना नहीं है, ये कॉमा के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा अपनी सेम पोजीशन में। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये चीज हमने बनाई है वहां पर, जब हमने इंचेस वगैरह जो सेट किया, रेजोल्यूशन हमने जिसका रखा, वो ये चीज है जो वाइट कलर के शक्ल में आपके नजर आ रही है, इसको कैनवास कहते हैं। इसके ऊपर हमने काम करना है, तो यही कैनवास होते हैं। ठीक है, तो इसका अब हमने अगर कलर, सपोज के हमने इसका कलर चेंज करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद एक फोरग्राउंड कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ अल्ट बैक स्पेस, तो ये इसका आ गया आपका यही सेम कलर। ठीक है, अगर आप इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो ये देखें ऐसे ऐसे, ओके हो गया। तो अब इसको अगर फोरग्राउंड कलर आपने चेंज करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, ये आ गया।
ठीक हो गया। अब हम इसको आ, आ, क्या कहते हैं, वापस लाते हैं, कंट्रोल जूम अंडू, कंट्रोल जेड जो है ना वो अंडू करता है। अंडू आपको पता होगा सबको ही, क्योंकि पिक्सेल लैब में आपने बहुत ज्यादा अंडू किए होंगे। ठीक है, तो ये कलर चेंज इजीली हो जाते हैं कंट्रोल बैकस्पेस से और अल्ट बैकस्पेस से। ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा। फोटोशॉप में हम बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं और आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे इस फोटोशॉप के अंदर। इलस्ट्रेटर में इतने यूज नहीं होते जितने फोटोशॉप में यूज हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे बकाया टूल्स के ऊपर, बात करते हैं। टूल्स बहुत ज्यादा हैं, एक एक टूल करके हम एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं शेप्स में। शेप्स में देखिए आपके पास मिल जाता है रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, और पॉलीगन टूल, लाइन टूल और कस्टम टूल। कस्टम टूल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आप चले जाएंगे, यहाँ पर आपको मजीद इसके शेप मिल जाएंगे। देखें ये लीफ ट्री जो है ना, इस पे हम करते हैं तो ये आपको इतने सारे दस्त बना देता है। इसमें भी आपको मजीद नीचे बन मिल जाते हैं। ठीक है, ये दरख्त भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। ठीक हो गया, दरख्त भी आपको मिल जाते हैं। तो अब आपको इसके अलावा और क्या चाहिए, आपको और पूछना है कि क्या चाहिए। तो इसमें आपको एनिमल्स भी मिल जाते हैं, बोट्स भी मिल जाते हैं। तो इसमें देखें बोट्स, कितनी ज़्यादा बोट्स हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं। तो फिलहाल हम इधर से शुरू करते हैं रेक्टेंगल टूल के ऊपर। रेक्टेंगल टूल माउस की मदद से आप इस तरह बना लेंगे। बनाने के बाद आप इसका देखें कलर आ गया येलो, क्योंकि ऑलरेडी सेट किया हुआ था। तो हम इसका कलर यहाँ से ऊपर से चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से ऊपर। इसकी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं तो ये यहाँ से चेंज कर रहे हैं। मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर है इसका स्ट्रोक। स्ट्रोक फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक देना चाहता हूँ, तो ब्लैक पे यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसके जो है ना बढ़ाना है हमने ये स्ट्रोक, ये ऐसे बढ़ाना है माउस की मदद से, ये आपको नजर आएगा ऐसे। ठीक है, इतना काफी है। तो ये आपका बढ़ चुका है, स्ट्रोक आ गया है, ठीक हो गया। अब इसमें मजीद भी हम टूल फॉर एग्जांपल शेप्स यूज कर लेते हैं। दूसरा शेप यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, ये वाला राउंडेड रेक्टेंगल। तो इसको भी ये देखें, इसमें देखें चार कोने हैं और इसमें आपको आठ कोने दिखाई दे रहे होंगे, तो ये राउंडेड रेक्टेंगल है। अब इसका भी हमें कलर चेंज करना है, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये इसका शेप का कलर यहाँ पर चेंज हो गया। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपको जहाँ से ठीक लगता है वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं लेयर पे, लेयर पे आ जाते हैं। तो लेयर इंपॉर्टेंट है, लेयर से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी खासी दोस्ती करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ये देखें आपको नजर आ रहा है राउंडेड रेक्टेंगल टूल है और दूसरा रेक्टेंगल टूल है। इसको नीचे करेंगे तो ये देखें बैकग्राउंड, जो जो चीज़ें हम इस वाइट कलर के उस कैनवास पे ऐड करेंगे वो लेयर बन के यहाँ पर आ जाएगा। सपोज कि हम ये ग्रीन वाला डिलीट करना चाहते हैं, इसको माउस की मदद से यहाँ तक ले आएंगे डिलीट के ऑप्शन पे, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इसको आप अगर वापस लेके आने चाहते हैं तो कंट्रोल जेड अंडू करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। ठीक हो गया, ये लेयर आपको आई होप के समझ आ गई होगी। तो इसी शेप में हम अगेन चले जाते हैं, ये मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो मज़ीद हम यहाँ से कोई और शेप लेते हैं, देखते हैं यहाँ से मैं ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर चले जाते हैं ऊपर। अब एक और शेप हम लेते हैं यहाँ से, एक और शेप आपको लेके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हम कस्टम में चले जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद यहाँ से हम एक बोट ले लेते हैं। ठीक है, बोट लेते हैं, तो बोट को हम यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देते हैं, ठीक हो गया।
तो इसका हमने क्या करना है, अब इसका स्ट्रोक लगाना है, तो स्ट्रोक में चले जाएंगे यहाँ पर ऊपर, ऊपर जाने के बाद हम इसको ब्लैक ही ठीक है रहेगा तो ब्लैक लगा देते हैं, तो इसका स्ट्रोक यहाँ से हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ये शायद वाइट क्लिक हो गया है, ब्लैक करना है हमें, ठीक हो गया, तो इसको हम कम करते हैं, ज्यादा लग गया है वाइट। यहाँ से ये कम हो जाएगा, ठीक है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से, इतना ठीक है, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आप इसको मूव नहीं कर सकते इधर उधर, मूव करने के लिए आपको उस सबसे ऊपर चले जाना है मूव टूल पे, ये रहा मूव टूल, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका मूव करेगा, इधर उधर मूव करेगा, पहले आप इसको क्लिक तो करें, ये देखें इधर इधर जहाँ मूव करना चाहते हैं, जहाँ इसको आप सेट करना चाहते हैं वहां पर ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये रिमूव कर देते हैं कंट्रोल जेड करके, बिल्कुल भी मूव हो जाएगा, बिल्कुल ही ये मूव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, रेक्टेंगल टूल ले लिया, तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया तो ये एक बना दिया मैंने रेक्टेंगल टूल, ठीक हो गया। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी शो होती है, बाद में हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक चीज दूसरी है, ये तीर का निशान है इस टाइप का, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, ऐसे ऐसे कोने पे जाके आप क्लिक करेंगे, ये देखें, तो ये इस तरह से क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे मूव करके कोई डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है, ये देखें चेंज हो जाएगा, ये देखें इस तरह से आप इसको कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लें, जैसे मर्जी कर लेना, ये मूव हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपको बात समझ आ गई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके अगेन खत्म कर देता हूँ, सही हो गया। तो अब ये आपके सामने शेप, और शेप के बाद सिलेक्शन टूल, उसके बाद मैंने मूव टूल, ये तीन चार मैंने चीजें आपको बता दी हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल के ऊपर, टेक्स्ट टूल में आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तीन चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन एक ही टेक्स्ट पे हम बात करेंगे, इधर आके हमने इंटर करना है, इंटर करेंगे तो ये लोरम सलाम लिख के आ जाता है, तो इसको आप यहाँ से बैक स्पेस कर देंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, मिस्टर PANHWAR, तो ये मिस्टर पवन लिखा गया, तो इसको मूव करेंगे, पहले मूव करने के लिए हमने मूव टूल पे जाना है, मूव टूल के पे जाने के बाद आपने इसको मूव कर लेना है, ये देखें अब ये देखें इतना बड़ा लिखा हुआ है कि आपके इस पूरे उस पे नहीं आ रहा इस कैनवास के ऊपर, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है आपने अगेन आके टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट पर क्लिक किया, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से इसकी साइज जो है ना, यहाँ से आप छोटी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए मैंने छोटी कर दी है साइज। अब अगेन मूव टूल को क्लिक करेंगे, मूव टूल को क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो ऊपर शो हो रही हैं, मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ आज के इस लेक्चर में, बाकी इस पे हम मजीद जो है ना आगे चल के बात करेंगे। ये लेयर का ऑप्शन है, टेक्स्ट में चले जाएंगे तब जाके हमें पता चलेगा ना सर, तो हम अभी टेक्स्ट में चले गए, ये देखें इसको आपने क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ फॉन्ट आपको मिल जाते हैं, ये देखें फॉन्ट चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं फॉन्ट, चेंज हो रहे हैं फॉन्ट, चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं फॉन्ट, चेंज हो रहे हैं, आप कोई भी रख सकते हैं, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, तो पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है, ऐसे कलर चेंज नहीं होगा, ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट करना है ऑल,
आल सिलेक्ट करें, चाहे तो आपकी मर्जी है, मिस्टर का सिर्फ मिस्टर को कर लें। ये मैंने मिस्टर को सिलेक्ट किया, तो इसका कलर बार आपको ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको कलर कोई भी दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपका ये मिस्टर का कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। अब पावर का कलर चेंज करना है, तो ये कंट्रोल ए कंट्रोल आल हो जाएगा, तो ये हमने नहीं करना, तो यहाँ से अगेन हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, पावर को सिलेक्ट हो गया। अगेन हमने इसके में जाना है कलर में, कलर में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से मूव कर देना है, ये नहीं दे रहा, अच्छा तो हमने चेंज करना है, ब्लू लगाना है, ग्रीन लगाना है, तो यहाँ पर आप इसको जैसे कैसे करके ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो ये देखिए मिस्टर पावर आपका ऐड हो गया है। तो इसी तरह से अगर फॉन्ट भी अगर आपको चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने मिस्टर के फॉन्ट और रहने देने हैं और पावर के फॉन्ट और करने हैं, तो इसी तरीके से आप इसने इसको सिलेक्ट कर लेना है, मिस्टर और पावर को आपने सिलेक्ट कर दिया। अब फॉन्ट में चले जाएं, फॉन्ट में चले जाएं, ये देखें चेंज हो गया का, मिस्टर के फॉन्ट और हैं और पावर के फॉन्ट और हैं, दोनों के फॉन्ट अलग अलग हैं। इसी तरह से आपकी साइज मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सिंपल रेगुलर आपको ये दिखता है, तो ये इसका टी का जो ऑप्शन है 37 पिक्सल, तो आप इसकी साइज है ये भी, तो इसमें एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाते हैं ऑप्शन डिफरेंट टाइप के, 48 पे रख दें। देखें मैंने साइज तो बढ़ा है लेकिन ये बड़ा नहीं, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो मिस्टर खाली पावर का मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इस पे अगेन मैं 37 पे चला गया, तो यहाँ पर मैं इसको 48 कर देता हूँ। ये देखें मिस्टर का वही साइज रहा, पावर का बढ़ गया, तो इसी तरह से ये सिलेक्ट करना होगा। टोटली सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कर सकते हैं, जो भी आपने कलर चेंज करना है या जो कुछ करना है, तो इस तरह से आप इसके बना सकते हैं। और इसको मूव करने के लिए वही सेम तरीका, मूव टूल को क्लिक करेंगे, मूव टूल को क्लिक करने के बाद आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे दिल करता है आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इस पे बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, हम इस पे इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में बात करेंगे, अभी कुछ और टूल्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। दोस्तों आज हमने जो है ना टेक्स्ट टूल भी कुछ सीखा है, कुछ आगे वाली क्लास में सीखेंगे। शेप का यूज़ हमने सीखा, शेप कैसे बनाते हैं और कितने शेप के एग्जाम फोटोशॉप में मौजूद हैं। मूव टूल के बारे में भी हमने डिस्कस की कि मूव टूल क्यों यूज होता है, जब तक आप मूव टूल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप उसको मूव नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तब मैंने मूव टूल को यूज करते हुए इसको भगाया, इधर उधर मूव किया है, ठीक है। उसके बाद हमने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी हमने देख लिया कि उसका क्या काम होता है और वो किस तरह से आपको बात करता है। तो कल इंशाल्लाह हम पेन टूल पे बात करेंगे, और इसके अलावा हम टेक्स्ट टूल को मजीद एक्सपोज करेंगे। इस पे एक तफसीली बात होगी, तकरीबन 30-40 मिनट तक की बात होगी, तो इसलिए आज मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा कहानी, तो आप भी इरिटेट होंगे और मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, रात बहुत हो चुकी है, तो मजीद बनाना भी मुश्किल है। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़ व नासर।